पीएम आवास का पैसा नहीं मिला तो सरपंच को पीटकर अधमरा कर दिया। देवेंद्रनगर थाने में मामला हुआ दर्ज। प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं मिलने से नाराज परिवार ने सरपंच पर हमला बोल दिया। बेदम पिटाई से घायल सरपंच ने देवेंद्रनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना देवेंद्रनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी पंडरिया की है। घायल सरपंच अशोक कुशवाहा ने बताया कि हितग्राही संतोष तिवारी के परिवार को हाल में ही पीएम आवास स्वीकृत हुआ है। पहली किस्त जानी होने वाली है, लेकिन वे तत्काल दूसरी चाहते थे। इसी को लेकर शनिवार को जब वे सुबह संतोष तिवारी के घर के सामने से गुजर रहे थे तो रोककर विवाद किया और संतोष तिवारी ने साले के साथ मिलकर लाठी से हमला कर दिया। घटना की जानकारी लगने पर सरपंच का परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उसे लहूलुहान हालत में उठाकर देवेंद्रनगर थाने लेकर गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर घायल सरपंच की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवेंद्रनगर भेजा, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहां उनका इलाज जारी है। सरपंच गढ़ी पड़ गया का मुझसे संतोष तिवारी ने पूछा हमारा आवास का पैसा क्यों नहीं आया है, तो मैंने कहा कि आप ऑनलाइन देख लो, अभी किसी का पैसा नहीं आया है, सबका आने वाला है, वो आ जाएगा, जब तुम्हारा ना आए तब बात करना। तो बोला माँ बहन की गाड़ी बहलाने लगा और कहने लगे कि ये हम काछी को तुमको काट के फेंक देंगे। हमने कहा महाराज तुम ऑनलाइन देख लो, इसके बाद में तुम बात करना हमसे। बस इतने में उन्होंने डंडा निकाल लिया, धारदार हथियार दो तीन लोग, और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। बहुत दर्द है, सर में चक्कर आ रहे हैं और अभी मतलब खाना भी नहीं खाया है कुछ, ऐसे ही है। सवेरे से देवेंद्र नगर गए थे तो उन्होंने रिपोर्ट लिखी और पन्ना भेज दिया। मारने की धमकी दी जाती है, अभी भी थाने में खैद बोली अभी तो जिंदा बचे न बचोगी, और जान से मारने की धमकी दी है। तो हमारी शासन से गुहार है कि हमें सुरक्षा व्यवस्था या नियम कानून कायदे से उनका जो हो शासन की व्यवस्था वो करें, कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई